हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो मैंने लिया हुआ है गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के पेपर से, 2021 के पेपर से ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मार्जिनल वैल्यू थ्योरम। तो देखो, द मार्जिनल वैल्यू थ्योरम इन ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी एग्जामाइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेजिंग डिसीजंस। ओके, ऑप्शंस में है हाउ लॉन्ग टू स्टे इन अ पैच ऑफ फूड, सेकेंड ऑप्शन है हाउ टू एलोकेट टाइम टू फॉरेजिंग वर्सेस रिप्रोडक्शन, तीसरा है देखो हाउ टू मिनिमाइज रिस्क व्हाइल फॉरेजिंग, और चौथा ऑप्शन है हाउ टू सिलेक्ट बिटवीन डिफरेंट फूड टाइप्स विद इन अ पैच। ओके, तो थोड़ा हमें जानना होगा व्हाट इज दिस मार्जिनल वैल्यू थ्योरम। तो एक बात समझ लो कि एनिमल्स को, प्लांट्स को फॉरेजिंग करना पड़ता है। व्हाट इज फॉरेजिंग? दैट इज खाना ढूंढना, सीधा सीधा उसका मीनिंग होता है टू सर्च द फूड। ठीक है, तो ये फॉरेजिंग करते वक्त ऑप्टिमल फॉरेजिंग हो, कम से कम कॉस्ट देनी पड़े और अच्छा खाना मिले, इसके लिए एनिमल्स एंड प्लांट्स वर्क्स, राइट? तो मैं ये चीज़ आपको कुछ एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी कि अगर ह्यूमन बीइंग हैं तो हम एप्पल के गार्डन में अगर जाते हैं तो वहाँ से अगर एप्पल आपको पिक करने हैं तो कैसे होगा कि शुरू में आप नीचे नीचे के जो एप्पल्स जो आपके हाथ आएंगे, इजीली हाथ ऊपर किया तो आ गए, तो ऐसे जब पिक किए जाएंगे तब वो रेट फास्ट होगा। ठीक है, जैसे ही एप्पल नीचे के हाथ में आने वाले एप्पल अब ख़त्म हो गए तो आपको एक तो दूसरे ट्री में शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर उसी ट्री में ऊपर के एप्पल है तो किसी किसी चीज़ के ऊपर चढ़ कर करना है या फिर जंप कर कर निकालने हैं, इस तरह से कुछ आइडिया लगानी होगी। दैट वुड एक्सपेंड द मोर कॉस्ट, आपकी एनर्जी जाने वाली है उसमें। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो थ्योरम कहता है तो ये बेसिकली यहाँ पर ऐसा कंसिडर किया गया है कि फूड रिसोर्स पैचेस में प्रेजेंट है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में पैचेस मतलब एक एक ट्री, एक पैच ख़त्म कर दिया, एक ट्री के एप्पल्स निकाल लिए तो वी नीड टू मूव टू अनदर पैच, दूसरे पैच, दूसरे ट्री तक जाना है। तो इस तरह से ये कंसिडरेशन है कि फूड रिसोर्स जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन पैचेस, बीच में थोड़ी जगह है, बीच में कुछ नहीं है फूड रिसोर्स, इस तरह से ये कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? तो ये शिफ्ट होते वक्त एनिमल्स, प्लांट्स किस तरह से फॉरेजिंग करते हैं। ओके, तो प्लांट्स की अगर बात करूँ तो प्लांट को क्या फॉरेजिंग करना है? प्लांट रूट होते हैं, देखो प्लांट रूट खाना ढूंढते ढूंढते जमीन में नीचे नीचे चले जाते हैं, isn't it? Are you getting me? तो रूट्स भी कहाँ ग्रो होते हैं? जहाँ उन्हें अच्छा सा फूड रिसोर्स, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, राइट? अगर सॉइल का कुछ पार्ट है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो प्लांट कॉस्ट अफोर्ड नहीं करता है कि वहाँ पे उसके रूट्स ग्रो करो। ओके, आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज़ अ लाइक कॉस्ट बेनिफिट देखा जाता है एनिमल बिहेवियर के हिसाब से। तो इसके कुछ एजम्पशंस देखो क्या है। द इंडिविजुअल इज एज्यूम टू कंट्रोल व्हेन इट लीव्स द पैच इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रेशियो बिटवीन रिसोर्स इनटेक एंड टाइम। तो जैसे कि एक एप्पल ट्री से दूसरे एप्पल ट्री तक जाते समय हम सोचेंगे कि वो जाना ज़्यादा कॉस्टली है या इसी एप्पल ट्री के ऊपर के ट्रीज, ऊपर के एप्पल हम ट्री पर चढ़कर या फिर किसी चीज़ के ऊपर चढ़कर निकालने में कम कॉस्ट पे कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? अगर हर्बीवोर्स की बात ले लो तो कुछ पैचेस में उन्हें अगर ग्रास मिलती है तो एक जगह की ग्रास ख़त्म होने के बाद हर्बीवोर सोचते हैं कि यहाँ पर अभी थोड़ी बची है, उससे पेट भरा जा सकता है या फिर चल के जाना ही पड़ेगा दूसरे पैच तक,
आर यू गेटिंग मी? तो इस तरह से वो सोचते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स की कॉस्ट कितनी है, बेनिफिट कितना मिलने वाला है. दूसरा देखो, द कंज्यूमर डिप्लीट्स द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द पैच वेयर दे आर फॉरेजिंग. डिप्लीट तो होते ही जाएगा, जो पैच में है वो खा रहे हैं तो रिसोर्स तो डिप्लीट होना ही है. देयरफॉर द रेट ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन दैट पैच डिक्रीजेस एज फंक्शन ऑफ टाइम. जैसे ही टाइम चलता है उसके हिसाब से वहाँ का रिसोर्स डिक्रीज होना है. पहले अगर 50 एप्पल थे आपके ट्री पर, तो अभी निकालते 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 उस पर 4-5 एप्पल बच जाते हैं. पहले अगर ग्रास का बायोमास कुछ कंसिडर करते हो तो एनिमल ने खाने के बाद वो बायोमास डिक्रीज होना है. इज़न्ट इट? न्यूट्रिएंट का भी उसी तरह से हो जाएगा इन केस ऑफ प्लांट्स. आर यू गेटिंग मी? तीसरा देखो, इफ देयर इज अ वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ पैचेस द MVT assumes दैट डिफरेंट पैचेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट द लैंडस्केप. दूसरी बात होती है क्वालिटी की. क्वालिटी कहाँ अच्छी होती है उसके हिसाब से भी एनिमल्स बिहेव करते दिखाई देते हैं. राइट? ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन अगेन. तो हमें पूछा है कि मार्जिनल वैल्यू थ्योरम इन ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी एग्जामाइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेजिंग डिसीजंस. तो उसमें देखो, हाउ लॉन्ग टू स्टे इन अ पैच ऑफ फूड, ये वो डिसाइड करेंगे. इज इट इट? दूसरा ऑप्शन कहता है हाउ टू एलोकेट टाइम टू फॉरेजिंग वर्सेस रिप्रोडक्शन. तो इसमें रिप्रोडक्शन का कुछ रेफरेंस नहीं है इस थ्योरम में. हाउ टू मिनिमाइज रिस्क वाइल फॉरेजिंग. तो प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप का भी यहाँ पर कुछ रेफरेंस नहीं दिया गया है. यहाँ पर कॉस्ट एंड बेनिफिट फॉर फॉरेजिंग इसका ही डिस्कशन किया जाता है. एंड हाउ टू सिलेक्ट बिटवीन डिफरेंट फूड टाइप्स विद इन अ पैच. तो इसके बारे में भी ये थ्योरम कुछ डिस्कस नहीं करता है. सो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, हाउ लॉन्ग टू स्टे इन अ पैच ऑफ फूड. कि तब तक ही वहाँ पर रहो जब तक वहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड है, इजीली अवेलेबल फूड है, और उसके बाद वहाँ से दूसरे पैच तक एनिमल को मूव करना है. गॉट इट? तो मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है. सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज वीडियो. मेल आईडी शेयर किया है मैंने. मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊं. आपको भी अगर कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन या फिर थ्रू द मेल. ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.